डॉक्टर साहब का सबसे कमजोर विद्यार्थी था, सबसे कमजोर विद्यार्थी था। मैं डॉक्टर साहब को बोलता था, मैंने साहब मेरे को कुछ नहीं आता, तो बोला किसको ये पता है कि मुझे कुछ नहीं आता, उसका सिलेक्शन पक्का होता है। मेरी जर्नी थोड़ी अलग रही है क्योंकि मैं सेना में गया और स्पेशल फोर्स में आया। स्पेशल फोर्स का मतलब ऑपरेशन को अंजाम देना, दिन भर हथियारों के साथ, तो एबीसीडी भूल गया था बिल्कुल। अगर कोई पूछे तेरी स्पेलिंग क्या है यार, डबल ए आता है, ए आता है, मुझे पता ही नहीं, क्योंकि दिन भर माइंड सेट रहता। फिर मुझे एक मंच मिला गवाई क्लास से, उससे मैंने शुरुआत करी। देखो जो भी यहाँ पर आता है सब सोच करता है। अभी स्पेशल इंस्पेक्टर वाले कितने जो तैयारी करने आए हैं, आप लोग आज से ही ये मन बना के चलो कि हमारा सिलेक्शन हो गया है, हम सब इंस्पेक्टर हैं, ऐसा व्यवहार करें, ऐसी पढ़ाई करें, आपके जो साथी हैं उनके साथ ऐसा मधुर व्यवहार होना चाहिए आपका कि आप सब इंस्पेक्टर। जो चीज आप डेली सोचेंगे, मन में सोचेंगे, वो एक दिन आप पक्का बनोगे। आप धीरे धीरे तैयारी करें, बड़ा सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस है, वाइड सिलेबस है। तो आप डॉक्टर साहब का सबसे कमजोर विद्यार्थी था, सबसे कमजोर विद्यार्थी था। मैं डॉक्टर साहब को बोलता था, मैंने साहब मेरे को कुछ नहीं आता, तो बोला किसको ये पता है कि मुझे कुछ नहीं आता, उसका सिलेक्शन पक्का होता है बोला। और आपके सामने मेरा सिलेक्शन हुआ है, अच्छी रैंक पड़ी है और आज बोलने वाले काफी ज्यादा। अगर आप डीमोटिव होते हो कि यार मेरे पास संसाधन नहीं है, साधन नहीं आए, तो मेरे एक मित्र हैं राहुल जी गोयल, इनके नंबर में कावे क्लास में दूंगा। जब भी आप बहने भाई वो जो भी डोर पॉटिव जाओ, इनके घर आके देखना इस बच्चे ने किस परिस्थिति में तैयारी करी। जब आप इनको देखोगे और बटपटी रेंज आइए पूरे और राजस्थान में संसाधन था, मैं यहाँ या दिल्ली में तैयारी कर लेता, मेरे को दिक्कत नहीं। लेकिन इनको देखता हूँ, जीतू भैया को देखता हूँ, वो जीतू भैया वो जो लास्ट में बैठे उनको देखो आप एक बार, वो एमबीए करके आए हैं, 65,000 की नौकरी छोड़ के आए हैं। ये बहुत बड़ा मोटिव है, जिस चीज का आपके पास लक्ष्य है उसको प्राप्त करना है। आप आपकी दीवार के सामने लिखो कि जब तक मैं लक्ष्य प्राप्त नहीं करूंगा तब तक मैं पीछे नहीं हटूंगा। एक बार असफल हो गए तो कोई बात नहीं, दो बार तीन बार और मौका मिलेगा और यहाँ अगली बार आप खड़े रहेंगे। हम भी ऐसे सेमिनार सुनते थे, डॉक्टर साहब के सेमिनार सुनते थे कि बोला जो सेलेक्ट होगा मेरे साथ फोटो आएगा, तो इससे ज्यादा बड़ा मोटिवेशन क्या हो सकता है बताओ कि डॉक्टर साहब के साथ फोटो आ रहे हैं, जबकि हम तो सोल्जर थे, सोल्जर को कौन पूछते, हाँ ठीक है सिपाही हो गया ठीक है। डॉक्टर साहब का मेरे इस सफलता में बहुत बड़ा योगदान रहा है। एक कोरोना आ गया, कोरोना आ गया तो हम क्लास नहीं ले पाए, ऑनलाइन क्लास ली, लेकिन ऑनलाइन में मजा नहीं आता है कि जैसे चिंगम को आप है ना पॉलीथिन के साथ खाओगे ना तो बेटा ऑनलाइन होता है, तो डायरेक्ट चिंगम खा ली तो ऑफलाइन में हो। आप पूछ सकते हो, आप डाउट पूछ सकते हो कि साहब संधि कैसे होगी, समाज कैसे होगा, ये सब होगा। आप ऑनलाइन में लिखोगे तब तक गुरु जी आगे, तो ऑफलाइन मैं चाहता हूँ कि जितने भी बच्चे ऑफलाइन आए। और सबसे बड़ा ये है, यहाँ पर मैं क्लास में देख सकता हूँ डाउट लेके आते हैं बच्चे और निरर्थक, बिल्कुल निरर्थक डाउट कि एकीकरण के समय हनुमान सिंह ने कौन सी पगड़ी पहनी थी, नहीं साहब काली पहनी थी, अरे नहीं पीली पहनी, अरे ये थोड़ी आएगा भाई। जो मतलब मेरा कहने का यह है कि जो आपके मतलब की चीजें हैं वो पढ़े, समर्पण भाव से पढ़े। गुरु जी जो पढ़ा है बिल्कुल सही पढ़ा रहे, ये 25 साल से अध्यापन का कार्य कर रहे हैं तो ऐसे तो नहीं पढ़ा रहे,
तो दो चार आपको मिलेंगे आपकी क्लास में भी, हमारी क्लास में भी, तो हम बिठा देते थे भैया आप बैठ जाओ हमें पढ़ने दो, हम वैसे ही पेंशनर हैं हमें तो पढ़ने दो, हमें नौकरी नहीं हूँ। तो मैं एक बार फिर पूरी काव्य टीम का हृदय से आभार करता हूँ। आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन यही है, गुरु पे समर्पण रखें, काव्य क्लास में अच्छी टीम है और अच्छे से तैयारी करें, अपना बेस्ट दें, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है आरएस मेंस तो लिखना नहीं अपने को, ऑब्जेक्ट जितने आप क्वेश्चन पेपर निकालेंगे या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे आपका सफलता है। जय हिंद जय भारत।